सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। कहते हैं कि जहां संत विराजमान हो, जहां बस्ती के पांच पंच विराजमान हो, वही पर एक से बढ़कर एक आपके बीच में कलाकार रंग पर रंग बरसा रहे हैं। सुनिए एक कवित के माध्यम से लिखा है माशा। कवि लिख रहा है, हमारे मोतीराम मास्टर भी गाया करते हैं, बहुत पुरानी बात। एरे नर गुमानी तोते लाख बार भेड़ अच्छी, ताकि ऊन काट कपड़ा बनप कहरे दाम को। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कवि लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं वहां साहब? गजासुर की खाल को शंकर जी ओढ़ रहे, शंकर जी ओढ़ रहे, मांगे वरदान मुक्ति रण में बाने पाइए। काट महासुराजा शिव न्यू तोल दियो, बाजते कबूतर की दई जान तो बचा। सुबेदार जी बैठ जाओ। दान में हाय गता सुन मार वे लो बचू बनाई है, दिल्ली वारो फाटी को आज लोहागढ़ में लगे रहो। बहुत सुंदर साहब। पाखड़िया ने छाती देखो फाटक ते गई। वाह साहब मास्टर जी, बहुत सुंदर। बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं राजस्थान के अंदर, जो शान है हमारे हिंदुस्तान की, जिसे आज बोलते हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उसका भी फाटक तोड़ करके आज हमारे लोहागढ़ में लग रहा है। चलते हैं बाबा के चरणों में। कमेटी ने बहुत पैसा खर्च किया और हर साल पैसा खर्च करती है, अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाती है। कलाकार हामी बन लेते हैं कि आ रहे हैं साहब, कमेटी इंतजार करती है बेचारी, पैसा खर्च करती है कि आ रहे होंगे, लेकिन वो नहीं आते। किराया भी ले जाते हैं और फोन की जो विवेचना होती है उसको भी साथ ले जाते हैं। कितना बड़ा अपमान करते हैं इस मंच का, और यही मंच उनका सम्मान करती है, और इसी मंच का वो अपमान करके चले जाते हैं। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए ना? कमेटी बड़ा पैसा खर्च करती है, बड़े प्यार से बुलाती है, और आज दौरगाम से ही वो कलाकार नहीं आ पाए जिन्होंने हामी भरी, लेकिन नहीं आए, लेकिन बिना बुलाने वाले आए। उन्होंने इस समाज का सम्मान किया, मान किया, और देखिए लिख रहे हैं चौधरी घनश्याम जी, कैसे मां साहब? कितना सुंदर
फिल्म वालों ने लिखा है वासर, कैसे लिखा? और छेड़ मिलने के मीतिरे में दिलवा, छेड़ मिलने के मीत छोड़ मिलने के मीतिरे में दिलवा, छेड़ मिलने के मीत। बहुत सुंदर साहब मास्टर जी, दिमाग को सीजे लगाएं।
मैंने अपना प्रसंग छोड़ा। इधर इधर देखा दशरथ जी ने, क्या ये माया भी धोखा नहीं खाएगा? तो उन्होंने शक्ति का प्रहार किया, शक्ति का प्रहार किया तो मेघनाथ मूर्छित हो गया। अब मूर्छित हो गया तो दशरथ जी कहने लगे, हमारी कहानी आगे के लिए बढ़ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ब्रज प्रकम्मा के लिए आए हैं और ब्रज प्रकम्मा हमारी पूरी होनी चाहिए। आज दशरथ जी ब्रज प्रकम्मा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर दूत जो मेघनाथ ने पठाया था वो लंका में पहुंच गया और रावण से सारी बातें बता दी। ये 11 मुद्रा हमारा छोटा सा बाल, कन्हैया जी का दुलारा, 11 रुपए मुद्राएं हमारे लिए देखे गए। इधर सरदारो, इधर दूत की वाणी सुन करके लंकापति रावण ने और ब्रज भूमि के लिए अपनी सेना सजा करके निकलता है और कहता है कि मैं इस भेष में लड़ूंगा दशरथ जी से तो पार नहीं पड़ेगी, मुझे तो पार पार नहीं है। तो रावण ने भी दशरथ का रूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि मायावी रावण था। जब दशरथ का रूप धारण कर लिया तो दशरथ अब मारा जाएगा मेरे हाथों से। रावण विचार करता है और कहता है कि सांप मरे ना लाठी तू है, ऐसो खेल रचाओ और अपनी माया के बलते दशरथ को मजा सो का हमको कमजोर समझ रहो, ऐसो गुरुनाय गीलो वाको करू माजनो ढीलो। आज वो रावण ब्रज की तरफ आता है तो इधर मेघनाथ मूर्छित धराशायी पड़ा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है भोले बाबा की कृपा से। लड़के मेरी दशरथ का कोई रूप बनायो है, उपाध्याय जी सॉरी जरा माफ करना, हमारे क्षेत्र में रामवीर उपाध्याय मंत्री जी थे, अब वे गुजर गए तो उनके ही नाम पे मैं रामवीर को रामवीर उपाध्याय जी के नाम से पुकारता हूं। बताया है बहुत पुरानी बात है, रामवीर जी फिल्म वालों ने लिखा है, लेकिन रावण से मंदोदरी कह रही है कि 2 मिनट मेरी बात सुन लियो, सब चीजें है गई, सब काम है गए, अब मेरी 2 मिनट मेरी सुन लियो। रावण कह रहा है कि आज तो आखिरी दिन है, तू सुनाए थे मैं कहा सुनाए रही है। तो अब मंदोदरी रावण से कह रही है
के सुनो तुमने सुनी सबकी पर मानी काउ की नहीं, पर अब मान लो सुनो। अब बंबई वालों ने लिखा कैसे लिखा रामवीर भाई, बताया है फिल्मी वालों ने रामवीर भाई, झिलमिल बरसे ता सावन हो शावन। ये तो बंबई वालों की बात है, जो कहते हैं कि थोड़ा लिखो अधिक समझो, बात चल गई उसी सुर पे जो हमें गाना है। ये तो बंबई की बात नहीं गानी है, गानी है जो कलम की बात है, मंदोदरी का कह रही है वो बात गानी है। कैसे मास्टर साहब, सपने में पालम मोते, सपने में पालम मोते बनो है बनौआ, लंका पे मरा राय रे चील और। ऐसे नहीं आप बोलो पीछे पे, कितनी बढ़िया बात है, है? वो भी आग शक्ति में आती है, मंदोदरी पचकन्याओं में आती है, कोई वैसी निदारी नहीं है, शक्ति है उसके पास। क्यों? अरे मास्टर साहब, सपने में पालम मोते बन्यो है बनौआ और लंका पह मल राय रे चीलियो। बहुत बढ़िया, सुनना। एक से एक मुद्रा हमारे सम्माननीय हमारे चाचा जी हमें प्रदान करते हैं धर्मम टोली वाले। ओ अरे संचालक जी जय हो, और 11 मुद्राएं प्रदान करते हैं, और ये 201 मुद्राएं हलवाई जिन्होंने रात्रि भर सेवा करी है हमारी, 201 मुद्राएं दे रहे हलवाई साहब, ताली बजा के स्वागत करो मेरे को। सपने में पालम मोते बनो है बनौआ, लंका पे मर राय रे चीले और। अरे बिल्ली बोले कुत्ता रोवे, बिल्ली रोवे कुत्ता रोवे, रोई रहा वो हुआ। बहुत बढ़िया, बिल्ली रोवे कुत्ता रोवे हुआ हुआ, छोटे छोटे बाल करते माँ बाप कहते चुप जा, देख हुआ रोए वो हुआ। मंदोदरी क्या कह रही है, बिल्ली रोवे कुत्ता रोवे रोई रहा वो हुआ, सपने में बालम होते Baby, yeah.
सबरे पाती खुआ लंका पे मड़ राय रे चीले और हट छोड़ो मानो पिया लौटा दो तुम जान की वरना ये तो जान की बनेगी देवा जान की वरना ये तो जान की बनेगी देवा जान की कहे घन श्याम तुम ते कहे घन श्याम तुम ते बनो है